लेसन में फोर पढ़ रहे थे। कल हम लोग कार्बन की क्वालिटी के बारे में पढ़े थे, कार्बन के गुण के बारे में पढ़े थे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है। चार होने के कारण किसी भी यौगिक के साथ वह साझेदारी करके क्या कर सकता है, नए नए यौगिक का निर्माण कर सकता है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। आज आपके किताब में जो लिखा गया है उसका नाम है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक छोटा सा ये टॉपिक से ही पता चल रहा है, नाम है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक का मतलब कार्बन, अयौगिक का मतलब यौगिक। कहेंगे ऐसे यौगिक जो कार्बन से क्या होते हैं, बने होते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, वह भी याद कर लो। ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर क्या आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। क्योंकि कार्बन के अंदर, ए प्रिंस बाबू क्या कर रहे हैं आप, लगता है मोबाइल चला रहे हैं आप, क्योंकि आपके तरफ वो देख रहा है विवेक, तभी मुझे पता चल गया। चलिए पढ़िए, दिन भर हुआ चलाइए, अबे चलाना, कौन बोलने वाला है तुमको यार, किसकी हिम्मत है बोल देगा ना, मैं बोल सकता हूँ। चलिए, तो कार्बन से बने हुए यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। और जो कार्बनिक यौगिक होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, चार। इसीलिए किसी के साथ ये साझेदारी करके यौगिक क्या कर सकता है, बना सकता है। आइए क्या पढ़े थे, अकार्बनिक यौगिक। एक कार्बनिक का मतलब कार्बन से मिलकर बना है, अकार्बनिक का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो, उसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। देखो, कुछ वैज्ञानिक थे जिसने कहा कि प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था, वो कहते थे ना कि कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम लोग जीवन शक्ति कहते हैं। इसको देने वाले थे कैरोलस लिनियस, अनेक वैज्ञानिक देने वाले थे। माने देखो, कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, अरे समझना, सुनो तो, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उस कार्बनिक यौगिक को हम लोग केवल जीवधारी से ही बना सकते हैं। जीवधारी का मतलब क्या होता है, कोनो जानवर से या कोनो पेड़ पौधा से ही बना सकते हैं, हम इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, समझ रहे बात को, जिसको जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। लेकिन बाद में सबसे पहला वैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्रेडरिक बोहलर, फ्रेडरिक बोहलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में निर्जीव से अमोनिया बना दिया, अमोनिया कह रहे हैं यूरिया बना दिया, बोहला नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट लिए और अमोनियम साइनेट से उसने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। और ये बात गलत कर सिद्ध कर दिया। कैसे गलत हो गया, एक बार समझो। पहले के वैज्ञानिक लोग कहते थे कि हम लोग कोई भी कार्बनिक यौगिक केवल जीवधारी से ही बना सकते हैं, केवल जीवधारी से, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जीवधारी में ही पाए जाते हैं। यूरिया हमारे अंदर पाया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है यूरिया हमारे अंदर, हर एक जंतु में यूरिया पाया जाता है, समझे बात को। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, चाहे वो लैटरिंग हो चाहे मूत्र हो, तो उसमें कौन पदार्थ उपस्थित होता है, तो हम जीव हैं, हम लोग जीवधारी हैं। तो वो वैज्ञानिक पहले यही कहते थे कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं केवल जीवधारी से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, केवल जीव से ही बन सकते हैं। लेकिन फ्रेडरिक बोहलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 ईस्वी में, सब के किताब में लिखा देखेंगे, 1828 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोगशाला में निर्जीव वस्तुओं से यूरिया का निर्माण कर दिया। और ये बात गलत सिद्ध हो गई। जो वैज्ञानिक कहते थे कि कार्बनिक यौगिक को केवल जीवधारी से ही हम बना सकते हैं, केवल जीव से ही प्राप्त कर सकते हैं, वो बात अब गलत हो गई। क्योंकि अमोनियम साइनेट लेकर के, जो कि निर्जीव है, अमोनियम साइनेट सजीव के अंदर पाया नहीं जाता, निर्जीव है, जहरीला पदार्थ है, और उसको उसने प्रयोगशाला में लेकर के ऐसे उसने यूरिया बना लिया। किसने, बोहलर नामक वैज्ञानिक ने। देखो प्रश्न क्या क्या आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था उसका नाम क्या है, यूरिया। कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं ना, लाखों कार्बनिक यौगिक है, मेथेन भी कार्बनिक यौगिक है, एथिल अल्कोहल जो शराब पीते वो भी कार्बनिक यौगिक है, जो एसिटिलीन है, लाखों करोड़ इतने संख्या की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले
कौन सा कार्बनिक यौगिक बना उसका नाम होगा यूरिया। ये पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि यूरिया के बनाने वाले जो वैज्ञानिक है उसका क्या नाम है, फ्रेडरिक बोहलर। और किस सन में बनाए थे, किससे बनाए थे, तो अमोनियम साइनेट से बनाए थे, जिसका सूत्र था NH4CN, NH4CN। अभी आपको पूरा मैं लिखाऊंगा, ये सब आपकी एक कार्बनिक यौगिक की रही। तो पहले तो एक चीज लिखिए, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। कुछ समझिए, क्या आपको याद हुआ आलोक बाबू, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी, खूब अच्छा से पढ़िए। लिखिए हेडिंग कार्बनिक यौगिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक माने होता है, देखो बाबू, कार्बनिक। आप जाएंगे 11 में पढ़ने के लिए तो कार्बनिक अलग किताब होगी या कार्बनिक अलग होगी। पहला जो किताब आपका होगा, दो दो किताबें पढ़नी होगी आप, तो पहला जो होगा अकार्बनिक, दूसरा जो होगा कार्बनिक होता। चलो तो लिखते हैं कि वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं बाबू, CH4, C2H5OH, 3C2H4, 4C2H6। क्या सबका नाम जानते हैं? अंग्रेजी में लिख रहे हैं खूब अच्छा से, इसका नाम होता है मेथेन। पहले अंग्रेजी में पढ़ा करो ना, मेथेन ऐसे लिख देना, ठीक है? इसका नाम बोलो एथिल एल्कोहल। अब तो पढ़ाई करनी है, इसी चैप्टर में पूरा आप सीखना है आपको एथिल एल्कोहल। हालांकि इसका IPAC नाम एथेनॉल होता है, एथेन लिखे OL जोड़ देते हैं इसमें, है क्या नाम होगा एथीन, एथ लिख के EN जोड़ देंगे, एथीन इसका नाम, और इसका नाम है एथेन। जितना लिखा गया नाम आप याद रखेंगे, हालांकि सब पढ़ के आ रहे हैं आप, मेथेन के बारे में पढ़े थे, एथेन के बारे में पढ़े थे, एथीन के बारे में पढ़े थे, एक एथिल एल्कोहल के बारे में आप नहीं पढ़े, क्योंकि इस पाठ में आपको सब पढ़ाई मिलेगा। ये तो ये है कार्बनिक यौगिक, दूसरा लिखा गया एथिल एल्कोहल C2H5OH, तीसरा आपका तो एथीन जान ही रहे हैं, चौथा आपका होता है एथेन। कार्बनिक यौगिक का जैव शक्ति सिद्धांत, कार्बनिक यौगिक जैव शक्ति सिद्धांत, अगर ऊपर वाला लिख लें तो नीचे वाला को समझाएं। हो गया, समय लो तब लिखना जो बाकी होगा। देखो ध्यान से सुनो, बर्जीलियस एक वैज्ञानिक का नाम है, बर्जीलियस। देखो केमिस्ट्री में है क्या ना, अब बायोलॉजी में खाली आपको, हालांकि अमीरी में कम है, बायोलॉजी में केवल क्या क्या दिए जैसे सिद्धांत उसको याद रखना, क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो वही पूछेगा कुछ का खोज किसने किया, केंद्र का खोज किसने किया, गलचिकाय का खोज किसने किया, माइटोकांड्रिया का खोज किसने किया, राइबोसोम्स का खोज किसने किया, लाइसोसोम्स का खोज किसने किया, कुछ का भित्ति का खोज किसने किया, कुछ का भित्ति किसकी बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, सारा चीज़ आपको सब वैज्ञानिक के नाम याद करना पड़ता है। केमिस्ट्री में भी वही हाल है, आपसे कोई पूछ दे कि कार्बनिक यौगिक का जैव शक्ति सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो उसका नाम होगा बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक, बर्जीलियस। अभी मैं लिखाऊंगा, पहले समझो। कार्बनिक यौगिक का जैव, जैव का मतलब होता है जीव,
सेवा का मतलब क्या होता है? जीव। जीव में जैसे हम लोग हो गए या पेड़ पौधे भी आ जाएंगे। कार्बनिक यौगिक का जैव शक्ति सिद्धांत, माने इस सिद्धांत में देखो ये कहा गया था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण, बर्जिलेस ने कहा था कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीवधारी के द्वारा ही किया जा सकता है, प्रयोगशाला में हम लोग इसको कभी नहीं बना सकते हैं, बर्जिलियस ने कहा। बर्जिलियस ने कहा कि इसको हम लोग प्रयोगशाला में कभी नहीं बना सकते हैं, केवल जीवधारी से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। समझ में आया? तो इस कहानी को अब लिख लेते, लिखो प्रति, लिखो इस सिद्धांत को बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, वैज्ञानिक ने, याद कर लो सब लोग, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को केवल जीवधारियों के द्वारा ही बनाया या प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। चलिए, तो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने यह जैव शक्ति सिद्धांत को दिया था। उसने कहा कि जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे केवल हम उसको जीवधारी से ही बना सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, यानी निर्जीव जो वस्तु होती है उससे हम लोग कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते। क्या समझ में आया आपको? लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, अगर लिख लिया तब लिखना। आपकी किताब एनसीईआरटी बहुत अच्छा लिखा है लेकिन एक ही में सब लपेट दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, जैव शक्ति सिद्धांत, जय शक्ति सिद्धांत, सिद्धांत के अंत जोड़ दो। चलो लिख लिया सब लोग, इसको पहले समझो। अब आते हैं वैज्ञानिक सन 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक बोहलर नामक वैज्ञानिक आते हैं और अमोनियम साइनेट से, जो कि निर्जीव है, प्रयोगशाला में यूरिया क्या करते हैं, बना देते हैं, और जैव शक्ति सिद्धांत का क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ उसका नाम क्या था, यूरिया, याद हुआ, तो लिखते हैं, लिखो सन, ये मिटा देगा नीचे वाला, लिखो सन 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक बोहलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट जिसका सूत्र होता है NH4Cl से यूरिया का सूत्र जानते हैं ना, NH2CO का वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर दिया।
प्रयोगशाला में कर लिया। इस प्रकार जय शक्ति सिद्धांत कांत हो गया। नोट में लिखना, सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का निर्माण हुआ था। सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का निर्माण हुआ था, आपसे पूछा जाएगा तो आप इस चीज को बता सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कार्बनिक यौगिक, और आज एक और टॉपिक पढ़ लीजिए, अकार्बनिक यौगिक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेहनत से आप लगातार पढ़ते रहेंगे, नाम को रोशन करेंगे। अभी नाम आपका डूब रहा है, रोशन करने का प्रयास। अकार्बनिक यौगिक, सिंपल बात आपका है, कहेंगे ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर, माने ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर नहीं बना, जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक। इसके पहले जितना आप पढ़े हैं ना, मान लीजिए कि आप यूरिया पढ़े एन एस थ्री, यूरिया कह रहे हैं अमोनिया एन एस थ्री, चाहे आप मान लीजिए नमक पढ़े हैं एन एस सी एल, तो ये सब जो यौगिक देख रहे हैं ये सब कहाँ होते हैं, आकार लिखो, आकार में लिख लो, ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर नहीं बने होते हैं, कार्बन से मिलकर नहीं बने होते हैं, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर नहीं बने होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण में आप एन एस थ्री लिख सकते हैं, एन एस सी एल लिख सकते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे एन एस थ्री का नाम अमोनिया होता है और एन एस सी एल का नाम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एन एस थ्री अमोनिया है, एन एस सी एल आपका सोडियम क्लोराइड, अमोनिया अमोनिया। पांच कार्बनिक यौगिक देखे, जैव शक्ति सिद्धांत देखे, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत देखे, और एक हम लोगों ने देखा अकार्बनिक यौगिक। चलिए फिजिक्स के पास अब हम चलते हैं।